हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। ये पार्ट टू है पिछली वीडियो का। पिछली वीडियो काफी लंबी हो जाती अगर मैं उसमें ये सारा कुछ कवर करता, लेकिन जहां पर अभी मैं बताऊंगा कि आपको अर्निंग कितनी होती है, आपका रिस्क कितना है, आपका प्रॉफिट कितना है, रिस्क को आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हो, क्या फॉर्मूला है जो हम अपनी टीम को बता रहे हैं, आप भी आगे बताओगे तो आपका रिस्क मिनिमाइज रहेगा लेकिन प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं पहले आपको इनकी जो पीडीएफ है, ऑफिशियली पीडीएफ है, जो उसके अंदर जो चीजें मेंशन है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपको बोर्ड के ऊपर भी लेके जाऊंगा, थोड़ा बोर्ड के ऊपर आपको बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पर काम कर सकते हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल के ऊपर आप नहीं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। दोस्तों, ट्रीजर एनएफटी, जिन लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा, ये वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिएगा, तभी आपको थोड़ा फोकस समझ आएगा कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको और क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रीजर एनएफटी 6 लेवल है इस प्लान के अंदर। मैं ये नहीं बताऊंगा जहां पर बैकग्राउंड क्या है, जहां पर रिस्क क्या है, जहां पर प्रॉफिट क्या है। मैं पहले फोकस करूंगा कि ये बोल क्या रहे हैं, ये कमिट क्या कर रहे हैं, उसके बाद बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो लेवल 1, ओके, पहले लेवल के अंदर आप $50 से स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है $50। $50 से लेकर आप $1,000 तक जहां पर लगा सकते हो स्टार्टिंग में, ओके। अगर आप $50 जहां पर इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1 month के अंदर अंदर आपके $50 जो है ना, वो जहां पर कमुलेटिव इंटरेस्ट लगता है, जिसको हम चक्रवर्ती ब्याज भी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम कंपाउंडिंग भी बोलते हैं, ओके। तो कंपाउंड होगा जहां पर $50 के ऊपर जो आज की अर्निंग होगी, अगले दिन वो भी ऐड हो जाएगी, उसके बाद जो दूसरे दिन अर्निंग होगी वो भी ऐड हो जाएगी। तो ऐसे करके कंपाउंड होते होते आपको मतलब आगे जी लेके चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने डाले $50, आपको आज अर्निंग हुई $1, तो कल जो आप अर्निंग करोगे वो $50 के ऊपर नहीं होगी, वो $51 के ऊपर होगी। कल फिर से आ गया $1, तो हो गया आपके पास टोटल 52। परसों जो अर्निंग होगी $52 के ऊपर होगी। तो इस तरह से ये काम करता है, इसीलिए जहां पर अर्निंग फास्ट हो जाती है, $50 लगाने पर आपकी अमाउंट जो है 1 month के अंदर अंदर 77 USDT में तब्दील हो जाती है, और 2 month के अंदर अंदर 118 USDT, यानी के 2 month के अंदर अंदर आपका पैसा डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। 45 से 50 दिन के अंदर अंदर जहां पर पैसा आपका डबल हो जाएगा। आप अपने $50 निकालो, प्रॉफिट से खेलते रहो, ठीक है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो जहां पर 250 USDT, तो आपकी अमाउंट 1 month के अंदर अंदर 383 USDT हो जाएगी, और 2 month के अंदर अंदर 590 USDT, और 3 month अगर आपने 250 USDT से स्टार्ट कर उसको होल्ड किया तो आपको 855 यानी कि $850 के आसपास मिल जाएगा। अगर आप आज $500 जहां पर स्टार्ट करते हो तो आपको डेली की अर्निंग आएगी, जहां पर 1% से लेकर 1.80% जहां पर डेली का रिटर्न आता है, ओके। आपके 1 month के अंदर अंदर $770 हो जाएंगे, 2 month के अंदर अंदर 140 $1,040 हो जाएंगे, और 3 month के अंदर अंदर 1,310 USDT आपके पास होंगे अगर आपने 500 लगाया, ओके। ये है लेवल 1। इसके अलावा जहां पर और कोई भी अर्निंग नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब आगे चलते हैं सेकेंड लेवल कि आप जहां पर $500 से लेकर $2,000 तक की डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। पहले लेवल में कितना था, 50 से लेकर 1,000, इसमें कितना है, 500 से लेकर 2,000 तक, ओके। अब जहां पर अगर आप $500 लगाते हो, तो जहां पर आप सेकंड लेवल पर हो, जहां पर परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन सेकंड लेवल में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको कुछ क्राइटेरिया है, वो आगे बताऊंगा आपको, वो क्राइटेरिया पहले पूरा करना होगा तो ही आप सेकंड लेवल के लिए एलिजिबल होंगे, ओके। सीधा आप सेकंड लेवल के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जब आप सेकंड लेवल के अंदर चले जाते हो तो आपकी अर्निंग $500 के ऊपर पहले मंथ में हो जाएगी $815 USDT, दूसरे मंथ में हो जाएंगे $1,325 USDT, और तीसरे मंथ में हो जाएंगे $2,160 USDT। अभी पिछले की बात करें तो आप देखो, जहां पर 500 USDT जो लास्ट वाली लाइन है, 3 month बाद 1,310 थे, जहां पर कितने हैं 2,160। तो इतना बड़ा डिफरेंस आ गया सिर्फ लेवल चेंज करते हुए ही, ओके। और ऐसे ही 1,000 USDT भी डाल सकते हो और 2,000 USDT भी डाल सकते हो। आगे है लेवल 3, जहां पर आप 2,000 से इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, 3,500 से भी कर सकते हो, 5,000 से भी कर सकते हो, और इन बिटवीन 3,400-3,700 से भी कर सकते हो। इन्होंने ये बस समझाने के लिए 3 फिगर ली हैं। आप ऐसा नहीं कि 2,000 के बाद 3,500 ही करना है, आप 2,000 के बाद 3,000 का भी कर सकते हो। तो जहां पर आप देखो, 2,000 USDT आप जहां पर अगर डालते हो तो फिर आपके 1 month में बन जाएंगे 3,560 USDT, 2 month में 6,335 USDT, और 3 month में 10,235 USDT। बड़ी अमाउंट कंपाउंड हो रहा है भाई, जितना अमाउंट स्टार्टिंग में ज्यादा लगेगा कंपाउंड उतनी फास्ट होगा। लेकिन आगे लेवल 4 भी है, लेवल 5 भी है, लेवल 6 भी है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज करो, मैं आपको ये पीडीएफ सेंड भी कर दूंगा। अब ये तो होगी अर्निंग की बात कि हमने जहां पर अर्निंग की और हमें ये चीजें आई, ठीक है, अर्निंग बहुत बढ़िया है। मैं हमेशा जाऊंगा पहले लेवल के ऊपर क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि आप कैसे जहां पर किस लेवल के अंदर
कितनी अमाउंट लगाकर और कितनी अर्निंग कर सकते हो। अभी मैंने जैसे आप सबसे बोला था स्टार्टिंग में कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं कि आप अपने रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो और प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, तो अभी बात करते हैं उसके ऊपर। दोस्तों ट्रीजर एनएफटी स्टार्ट कितने से होता है आपने देखा, $50 से लेकर आप जितना चाहो लगा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में ज्यादातर लोग $50 या $100 ही लगाते हैं। अब $50 हर कोई लगा सकता है कोई भी, लेकिन $50 लगाने का एक हमें जहां पर ड्रॉबैक भी है, नुकसान भी है, वो क्या है मैं अभी बताता हूं। जो वर्किंग करने वाले, जो नॉन वर्किंग वाले हैं, वो 50 लगाएं, 100 लगाएं, 200 लगाएं, 500 लगाएं, वो उनके ऊपर है, ओके। और नॉन वर्किंग वालों का मैंने बता दिया कि 45 डेज के अंदर अंदर उनका जो अमाउंट है वो रिकवर हो जाता है। 45 डेज का एक पीरियड रहता है जब तक उनका अमाउंट जो है डबल हो जाएगा, वो अपना प्रिंसिपल निकालें और बाद में जो उनका प्रॉफिट है उससे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हमें वो जो रिस्क 45 डेज का रिस्क है उसको कम कैसे करना है और प्रॉफिट को बढ़ाना कैसे है उसके ऊपर फोकस करते हैं, तो उसके लिए आपको बनानी पड़ेगी टीम। अब जहां पर देखिए, अगर आपने $50 से स्टार्ट किया दोस्तों, तो $50 के बाद आपको जो आप कोई भी रेफरल लगाओगे उसकी जो भी अर्निंग रहेगी वो आपको नहीं मिलती। $50 की आईडी तो लग जाएगी लेकिन रेफरल की अर्निंग नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो लोग अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं या टीम में काम करना चाहते हैं, टीम बना के काम करना चाहते हैं, उनके लिए $50 वाली आईडी बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। वो कम से कम जहां पर $100 से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं $100 से, मैं कोई 200 500 हजार नहीं बोल रहा, मिनिमाइज बोल रहा हूं कि $50 उनके लिए मिनिमाइज है जो खुद सेल्फ अर्निंग करना चाहते हैं, और $100 उनके लिए मिनिमाइज है जो टीम बना के काम करना चाहते हैं, ओके। अब जहां पर काम होता कैसे है, आपने चार्ट के अंदर देखा कि सबसे पहले आता है लेवल वन, ओके। अब लेवल वन के अंदर क्या है, मैंने डाल दिया $100, मैं $100 की एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, खुद भी 100 लगाया है और सबको बोलता हूं 100 लगाओ, उसका रीजन क्या है आपको अभी समझ आ जाएगा। $100, ठीक है। बहुत सारे लीडर आपको ये भी बोलेंगे 500 से कर लो, 1000 से कर लो, 2000 से कर लो, ठीक है ना। वो लीडर अपनी पॉकेट देखते हैं, मैं देखता हूं कि मिनिमाइज रिस्क से हम मैक्सिमाइज कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो लेवल वन के लिए आपने डाल दिया $100, अभी आपको 1% से लेकर 1.8% डेली आएगा, ओके। ये हो गई आपकी अर्निंग, ओके। अब हम अर्निंग को फास्ट करेंगे और रिस्क को मिनिमाइज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग आपका जितना भी पैसा है वो 45 डेज के अंदर रिटर्न हो रहा है जहां सेव हो रहा है, ठीक है ना। कि 55 डेज के अंदर अंदर आपका $100 $200 बन जाएगा, आप अपना प्रिंसिपल निकाल सकते हो, ओके। उससे पहले 50 बन जाए तब भी निकाल सकते हो। अब अगर लेवल वन के अंदर आप लेवल टू के ऊपर जाना चाहते हो तो क्या प्रोसीजर है, आपको डायरेक्ट जैसे जे हो गया ए लेवल, जे हो गया बी लेवल और जे हो गया सी लेवल, ओके। अब इन तीन लेवल के अंदर आपने काम करना है। सबसे पहले लेवल ए के अंदर आपको तीन डायरेक्ट करने हैं, तीन डायरेक्ट, ओके, तीन लोगों को डायरेक्ट करना है। अब नीचे इन दोनों को प्लस कर दो, चाहे इसमें तीन हो जाएं या इसमें दो हो जाएं, या ये भी हो सकता है इसमें दो हो जाएं इसमें तीन हो जाएं, या ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर ही पांच हो जाएं जहां पर जीरो हो, कोई भी काम करके आपको टोटल इसके अंदर, ठीक है ना, अगर आप इसको प्लस करोगे तो पांच, इसको प्लस करोगे तो पांच, इसको प्लस करोगे तो पांच, यानी के बी प्लस सी लेवल के अंदर आपके पांच लोग होने चाहिए। पांच जे प्लस इसके अंदर कितने थे, तीन, टोटल कितने हो गए, आठ। तो आठ लोग, जहां पर आठ लोग आपको करने हैं लेवल वन के अंदर। लेवल वन के अंदर जब आपने तीन डायरेक्ट भी कर लिए और पांच लोग जहां पर आपने टीम में भी कर लिए, तो आपके टोटल हो जाएंगे आठ लोग और आप पहुंच जाओगे लेवल टू के ऊपर। अभी आप क्वालिफाई कर गए लेवल टू के लिए। अब लेवल टू के अंदर आपने देखा था जैसे चार्ट के अंदर कि लेवल टू के अंदर और भी ज्यादा फास्ट इनकम आती है। अब लेवल टू के अंदर आप चले गए, डॉलर आपने सोई लगाया है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि लेवल टू के लिए क्वालिफाई करने का तरीका क्या है, लेकिन दोस्तों पर पर्सन के $100 आपने लगाया था, इसलिए जो आपके नीचे भी $100 से लोग लगेंगे पर पर्सन के आपको आएंगे $18। आपने कितने डायरेक्ट कर दिए दोस्तों, तीन, तो आपको कितने आगे, 18 को मल्टीप्लाई कर लो तीन के साथ, ठीक है। तो आपका जहां पर लगभग $54 आपके पास जहां पर आ गए। टीम नीचे जो बनाएगी, बी लेवल का आपको कुछ नहीं आएगा, सी लेवल का आपको कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप लेवल वन के ऊपर हो। अगर आप जहां पर, मेरा जो मानना है,
कोई भी पर्सन ज्वाइन करता है तो वो अगर 5 लोगों को या 6 लोगों को जहां पर इंट्रोड्यूस कर देता है, सारा प्रिंसिपल बाहर आ गया आपका 6 लोगों को लगाने से। भाई $100 से ही चलो, उसके बाद किसी की मर्जी है, अगर उसको प्लान बढ़िया लगेगा वो अपने आप ही 200 400 500 कर लेगा, अगले को प्रॉफिट होगा ना तो करेगा। ठीक है, आप किसी बंदे की पॉकेट के ऊपर ज्यादा बोझ क्यों डाल रहे हो, क्यों रिस्क बढ़ाना है? रिस्क नहीं बढ़ाना, अर्निंग को बढ़ाना है। प्लान कोई भी हो उसको समझो कि हम कैसे वहां पर सेफ साइड निकल सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग हैं पहले दिन ही 6 कर लिए, 5 कर लिए, पहले दिन ही 5 या 6 लोग आपने लगा दिया, भाई आपका तो कोई रिस्क ही नहीं है। भाई $100 आपने लगाया था, $100 आपने निकाल लिया, अभी आपका रिस्क है। अभी आपको अगले दिन से जो भी अर्निंग करी ना वो आपका प्रॉफिट है, और जब वो प्रॉफिट आता है ना, जब अपना जो प्रिंसिपल है वो निकला हो, मजा तभी आता है। और जब तक मैंने जहां पर लगा दिया $1000 किसी के कहने पर, लीडर ने बोला था मैंने तो 1000 लगाया, आप ही 1000 लगाओ, हमने लगा दिया 1000 रुपया। अभी हम देखो जहां पर मैंने 3 4 5 6 7 लोग लगा भी दिए, ठीक है मेरे को कितना आ गया दोस्तों, मैंने 10 लोग लगा भी दिए जहां पर, मान लो मैंने 10 लोग लगा दिए जहां पर, तो मेरे को कितना आ जाएगा 180। क्या मेरा प्रिंसिपल कवर हुआ? नहीं। जब तक प्रिंसिपल कवर नहीं ना होगा, बेस अमाउंट आपके हाथ में नहीं आएगी, आपको टेंशन पता किसकी रहेगी? अर्निंग की नहीं, बेस की। यार मेरा 1000 लगा है पहले वो कवर हो जाए, रात को सो गए सुबह कहीं कंपनी ना भाग जाए। ठीक है, तो वो चीजें, कोई भी काम है यार टेंशन लेके मत करो, एंजॉय करके काम करो कि हाँ मेरे को ये काम करना है, जहां से मैं ये काम कर सकूं, एक मिशन हो, एक विजन हो कि मैं इतना कर सकता हूं। यार जो दोस्त कहते हैं कि नहीं यार मैं किसी को नहीं जोड़ सकता, तो भाई 45 दिन का मैंने उनको भी बता दिया। जो लोग कहते हैं हमें जोड़ सकता हूं, हमें रिस्क को मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, मैंने उनके लिए भी बता दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा प्लान समझ आया होगा। एक चीज मैं भूल गया और बता दूं, जब आप लेवल 2 के ऊपर चले जाते हो ना, ये जरूरी है सबके लिए, अगर फास्ट इनकम करनी है तो आपको जैसे मैंने बताया था A लेवल B लेवल और C लेवल, ठीक है ना, यहां से भी पैसा आता है, जहां से भी पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, और जहां से भी सी लेवल के ऊपर जितने लोग होंगे उनका भी आपको कुछ परसेंटेज आएगा, ठीक है, बी लेवल का भी आएगा और ए का भी आएगा, कितना कितना आएगा उसके बारे में भी आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि वो काफी लंबा हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं आप सभी ये ट्राई करोगे कि हमें लेवल 2 के ऊपर पहुंचना है, 8 लोगों को टीम में करना है, 3 लोग डायरेक्ट करने हैं कम से कम, ओके। इस फंडे से काम करोगे तो भाई रिस्क सबका $100 का, प्रॉफिट जितना चाहे ले लो, वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो मेरा प्लान है, जैसे मैं काम करता हूं, मैंने आपके साथ वही शेयर किया। अगर आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट करोगे ना इसको, तो आप देखना डेफिनेटली आप रिस्क से बाहर रहोगे, लायबिलिटी से बाहर रहोगे, प्रॉफिट को एंजॉय करना सीखोगे। थैंक यू।